मैनू तू हॉट लगदी, लखां दा नोट लगदी। ये सब क्या चल रहा है, लड़कियां लौंडों को छेड़ रही हैं। अरे पनवाड़ी होगा ना फिर ये कभी। इसको छोड़ के बाकी लड़कियां पहले ही निकल गई, क्योंकि उनको पता है ये बंदा नशे के ओवरडोज लेता है। इससे ऐसी गंदी बदबू आती है ना कि कोई भी लड़की दूर से ही सुन के बता देती है वो पनवाड़ी यहीं आ रहा है। और ये लड़की क्यों नहीं भागी, इसके साथ क्या सीन है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है ये दोनों साथ में नशे करते हो, या हो सकता है ये लड़की इसको नशे करने के लिए सामान बेचती हो, या फिर ये भोसड़ी वाला पनवाड़ी इस लड़की को अपनी दुकान से फ्री में पान खिलाता हो। हाँ यही बात है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो आज हम लोग YouTube की कुछ ऐसी नशीली वीडियोस देखने वाले हैं जिनको देखने के बाद तुम्हारा दारू में डुबकी लगाने का मन करेगा। तो आओ यार, दारू का गिलास साइड में रखते हुए अपने कानों में ईयरफोन्स लगाओ और इस बकचोदी से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ तो प्लेयर्स, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। तेरी वीडियो देखना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इस बॉल को सबसे ऊपर मारेगा उसको गोवा की ट्रिप मिलेगी। फुटबॉल के कोच ऐसे ही तो होते हैं। बॉल उछालो गोवा की ट्रिप पाओ, बॉल उछालो वर्ल्ड टूर पाओ, बॉल उछालो कोच की गांड मारो। अरे ये वाला तो मेरा फेवरेट है। वेक इधर आओ, लो आप ट्राई करो पहले 150 मीटर। ये देखने के बाद रोनाल्डो की आत्मा मर गई। 150 मीटर? अबे तुझे पता है 150 मीटर कितना होता है? कभी स्कूल में मेजरमेंट सिखाया तुझे? एक मिनट, ये शायद कभी स्कूल ही नहीं गया, तभी तो ये ऐसी वीडियोस बनाता है। आजित तू आ जा, ले तू भी ट्राई कर। 200 मीटर? अबे 200 मीटर भोसड़ी के। मुझे एक बात बता, तेरी आंखों में ऐसी कौन सी मशीन लग रही है जो बॉल कितनी ऊपर जा रही है अपनी आंखों से नाप के बता रहा है? और इस बंदे को देखो, ऐसी शक्ल बना रहा है कि यार 200 मीटर तक कुछ नहीं है, मैं तो और ऊपर फेंक सकता था। शिट यार, प्रैक्टिस तो मैंने 400 मीटर की थी लेकिन मैं 200 मीटर ही फेंक पाया। अगर मुझे गोवा की ट्रिप नहीं मिली तो मैं कोच की बेटी लेके भाग जाऊंगा, उसके बाद इसको 200 मीटर की बिल्डिंग से धक्का मार दूंगा। हां भाई सैम तू आ जा। अरे भाई इस बंदे ने तो अपनी चालें लगा रखी है। राजकुंद्रा इस बार तो लौटा रहा हूँ, अगली बार चांद पर बॉल आई तो लौटाऊंगा नहीं। नील आर्मस्ट्रांग। मुझे नहीं पता था नासा वालों ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर हिंदी सिखाकर भेजा था। और भेजा तो भेजा, अबे वापस तो बुला लेते, वो बेचारा अभी तक वहीं है। और ये भोसड़ी वाले नशेड़ी उसके सर पे फुटबॉल फेंक के मार रहे हैं, अब तक तो उसके सर पे टुम्बा निकल आया होगा। ये तो पारिवारिक मामला लगता है। नशेड़ी लोग ऐसे ही तो प्रॉमिस करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई नशा नहीं करूंगा, लेकिन मैं दुनिया भर के सारे नशे अपने फ्रिज में भसेड़ के रखूंगा, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद तो चीजें इनविजिबल हो जाती हैं, वो तो किसी को दिखाई नहीं देती ना। अब ऐसा तो है नहीं इसको पता नहीं है कि फ्रिज में दारू रखी है, लेकिन नशेड़ियों को अद्भुत लेवल की बकचोदी देना जरूरी है। कितना अच्छा पति है ये, कितना हरामी पति है ये। पियक्कड़। किसे बोला पियक्कड़? तुझे और किसे? देखो यार, बकचोदी दो तरह की होती है, एक है नॉर्मल बकचोदी जो मैं कर रहा हूँ, और दूसरी है जबरदस्ती की बकचोदी। अब जबरदस्ती की बकचोदी के एग्जांपल में तुम इस भोसड़ी वाले को देखो, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बंदे की गांड में कीड़ा दौड़ रहा है जो कि पिटना चाह रहा है। अभी रुक। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ भाई। ये पुलिस वाला है, पुलिस के नाम पे किसी स्कूल के पीयून को भेज दिया है। साहब इस बार तो गलती हो गई, अगली बार नहीं करूंगा। इस बार तो ये छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसी हरकत हुई ना सीधा जेल भेज दूंगा। और भाई प्यून क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट डे। अच्छा बेटा रुक जा, अभी फिर से पुलिस को बुलाता हूँ मैं। हाँ भाई तुझसे मैंने बोला था ना कल कि अगर तूने दोबारा ये हरकत करी जेल भेज दूंगा तुझे। साहब आज मैंने इसे सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से मारा है। मेरी इज्जत की वजह से? इंस्पेक्टर साहब आज मैं पी के फिर यहाँ से निकल रहा था, इसने मुझे देखा, देख के बोलता है उस पागल हरामी
हरामखोर पुलिस वाले में थोड़ी सी अकल होती ना तो आज तू जेल में होता। मैंने आपके बारे में सुनी नहीं, फिर मारा मैंने इसे। तो बच्चों इस वीडियो से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, आईफोन से पुलिस को कभी फोन मत लगाओ वरना पुलिसमैन की जगह पोस्टमैन आता है। और दूसरी, जबरदस्ती की बकचोदी से बहुत दूर रहो वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और दूसरा बंदा क्या करेगा, वो दारू पिएगा और मौज मारेगा। बकचोद, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। अरे भैया यार, पांच छोटी गोल्ड दे दो। छोड़ो, पांच छोटी गोल्ड दो भैया को। मुझे लगा था कि टिकटॉकर सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं, कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। नशे ऐड करना भूल गया। 50 रुपए दे दो साहब। लो भैया 100 रुपए, 50 रुपए वापस दे देना। 10 के नोट को सूखा बना के दे रहा है। ठीक है बेटे, हम तुझसे तेज है। नो 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 नो। ले भाई 50 रुपए वापस। भाई इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। हम लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। 10 के नोट को 100 बनाओ और 500 के नोट को 50। इसी तरह से तो हमारे देश का विकास होगा। यह देश बदल रहा है। लेकिन ये देख के सही में चले मत जाना। एक तो वो तुम्हें कोई सामान नहीं देगा, ऊपर से मारेगा। और ये अभी तो इतनी दारू पी रहा था, क्या हुआ इसे? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। इमरजेंसी, जल्दी आ। ओके जाओ जाओ, कौन सी साइंस का कौन सा भोसड़ा है ये? अगर तुम्हारे हाथ में फोन नहीं होगा तो तुम्हारा मुंह ही नहीं निकलेगा। और सोचो कभी मुदते मुदते तुम्हारा फोन नीचे गिर जाए, फिर तो आधे में ही अटक गया। और जब तक तुम नया फोन लेने जाओगे तुम्हारी अटकियां फट जाएंगी। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? नहीं भाई, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे मूत लगता है तो मैं करके आ जाता हूँ। और फोन लेके तो गलती से भी नहीं जाता, क्योंकि अगर एक बूंद भी पानी उस पे गिर गया तो मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि नया फोन खरीदने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मैं गरीब हूँ। तो चलो यार, आज के नशे यहीं खत्म होते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये चूतिया है पर आप नहीं, नशीली वीडियोस ना बनाएं और ना ही बनाने दें। जय। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय। अबे रमेश, वो डर्मी कूल का पाउडर है, ड्रग्स नहीं है, मर जाएगा हरामखोर।